नजर आ रहा है विधायक क्या हुआ? अरे चारे को तो अरे फिर झारखंड की राजनीतिक गलियारे में क्या कांग्रेस के विधायक पाला बदलने वाले हैं, ये आज की तारीख में लाख टके का सवाल है। और अगर पाला बदलेंगे तो किसके साथ जाएंगे, जेएमएम या बीजेपी? पहले ही एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 10 विधायकों के वोट करने से कांग्रेस के भीतर खलबली मची है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए सत्याग्रह के दौरान जो दिखा उसने कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है। प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लाख दावे करें कांग्रेस से एकजुट है, लेकिन सच्चाई ये है कि लाख कोशिश के बावजूद पार्टी के सभी विधायक एक मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 18 में से 6 विधायक ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम लोग खड़ा चौक चौराहे में खड़ा होकर के तो हम लोग नहीं ना बोलेंगे माइक पे कि मैं यहाँ पे हूँ। वो तो आपके आपको भी देखना है, मेरे मित्र पत्रकार बंधुओं को भी देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में अभी अगर मैं देखूँ तो अभी तुरंत में खबर आती है कि सारे विधायक हरियाणा चले गए। भैया आप क्षेत्र में, हम लोग सोशल मीडिया में जनता के बीच में है, क्षेत्र में है, लेकिन कांग्रेस का छवि को जिस प्रकार से धूमिल करने का जो साजिश रचा गया है, ये जो भी आरोप हैं उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी अधिकृत हैं। वो लोग देखेंगे, जांच करेंगे, और जिन लोगों ने भी गड़बड़ काम किया, गलत काम किया है, उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अपने गिरेबान में भी झांकने चाहिए केंद्र सरकार को, और अपने जो मंत्री क्या कर रहे हैं, जिस तरह से पहले बार में कुछ बातें आई थी और उन्होंने कुछ लोगों पर कमान कसने का काम किया था, अब एक बार फिर से चेक करा लेना चाहिए कि किसके पास क्या है, तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा होगा और ईडी का चेहरा जो है एक निष्पक्ष दिखाई। सूत्रों की माने तो विधायकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जो उछल कूद कर सकते हैं उस पर खास नजर है। पूर्व में भी ऐसे विधायकों ने प्रयास किया था लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। अब नए सिरे से आरंभ हुई कवायद में ऐसे विधायक टारगेट पर हैं। लगातार उनका लोकेशन लिया जा रहा है। विधायकों के क्षेत्र की जिला कमेटियों के प्रमुख नेताओं को इस मुहिम में लगाया गया है। कांग्रेस आला कमान की हिदायत मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में सक्रिय हुआ है। पार्टी के भीतर के नेताओं की माने तो लगभग एक दर्जन ऐसे विधायक हैं जिन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। विधायकों को प्रदेश नेतृत्व की ओर से निर्देश दिया गया है कि वे अपने मूवमेंट के बारे में जानकारी देते रहें। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस के कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये संख्या प्रदेश नेतृत्व को चिंता में डाल रही है। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की कुल संख्या 17 है। झाबीमो के विधायक प्रदीप यादव को अभी तक बतौर कांग्रेस विधायक तकनीकी तौर पर मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में विधायकों के मन बदलने का असर राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन पर पड़ सकता है। फिलहाल क्रॉस वोटिंग की शिकायतों पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से पूरी जानकारी मांगी। झारखंड के सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ऊपर लगातार बैक टू बैक कई आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप कांग्रेस के विधायकों पर यह लगा कि वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर कांग्रेस पार्टी के 10 विधायकों ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। जाहिर तौर पर ये जब मामला सामने आया तो इसकी तस्दीक जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं ने भी कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुई, हम पता कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह आई कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस पार्टी के कौन विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, और कौन ऐसे विधायक हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी 26 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया है और दिल्ली में उनसे पूछताछ हो रही है। इस दौरान देश भर में कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के इस तरह के जो महात्मा बापू के मूर्ति के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं, और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह झारखंड की राजधानी रांची में भी बापू के मूर्ति के ठीक दाएं तरफ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम यह सवाल है कि सुबह से लेकर दोपहर तक कांग्रेस पार्टी के कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 से 6 विधायक ही पहुंचे, जबकि सोनिया गांधी के लिए यह सत्याग्रह था। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी विधायक यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन 5 से 6 विधायक के पहुंचने से इन कयासबाजियों को बल जरूर मिलेगा।